कोविड-19 संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। बैठक में DIG राजेश जी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SPCT डॉक्टर कौस्तो, अपर जिलाधिकारी नगर राकेश श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिया कि शहर में आने वाले रास्तों पर और कड़ी चौकसी की जाए, किसी भी वाहन को बिना जांच के शहर की सीमा में प्रवेश न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों की सूची तैयार करें जो बीमार हैं और जिनका अन्य प्रदेशों या अन्य जिलों में अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की जाए जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि एम्बुलेंस में आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाए तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG राजेश जी मोदक व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, जो की सर पब्लिक ज्यादा केसेस डील करते हैं वो कंट्रोल रोके भी है। कल परसों केस आई थी उसका जो संगीता उनके बाद उसके सब सिम्टम दिखाई दिए देने लगे तो फिर सर काफी सारे चल भी रहा था, अब तो पेशेंट नहीं आ रहे मात्र अलग है और पूरा फैसिलिटी है, आप किसी का ट्रीट भी करना तो ट्रीट भी कर सकते हैं। और बेड ऊपर आपको बढ़ाने हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा अगर हम पूरी एक बार करेंगे। 100 देखिए 100 कर रही है। कोरोना के बारे में कि क्या व्यवस्था करनी है और भी कैसे उसको सुदृढ़ करना है, बैरियर्स को कैसे ठीक करना है, तो इसी के बारे में निर्देश सबको दिए गए कि बॉर्डर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए और जो भी इनकमिंग पेशेंट्स हैं एम्बुलेंसेज हैं उनकी क्या व्यवस्था हो, इसी पर हम लोगों ने एक विचार किया।